मुझे झां झां लगी रहती है दोस्तों, ऑफिस में रहता हूँ, झां झां। इतना झां झां भी मत किया करो, जो जब होना होता है तभी होता है। और मैं दूध भी दी बच्ची थोड़ी ना हूँ, थोड़ी बहुत तो मैं मैनेज कर ही सकती हूँ। क्या बात है अरे तुमसे पहले यहाँ पहुंच गया था। अरे दोस्तों, देख लो फोन इनसे नहीं पहले उठाया पहुंच गया मैंने। था। कल आपसे बोला था कि अरे मैं इधर से अपनी आया दौड़ के यार, अपनी इसे पूछ बेजती रहा की हूँ मैं। अपनी बेजती की डर से आगे दोस्तों। तो नमस्कार, एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए प्रतिदिन की तरह। आज हमारे साथ में बालम जनोटी जी हैं। अमिता जी का आपको पता ही है कि वो कल आए थे, कल उन्होंने दौड़ा दिया एक ही दिन में, आज वो रेस्ट में चले गए। आप फोन ही उठा रहे हैं, हमारे बालम जनोटी जी आ गए, ये देख सकते हैं। आज कितने दिन बाद दर्शन हो रहे हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए आज पूरा 1 महीना हो चुका है लगभग, शायद अभी पहुंच रहे हैं। फ़ोन रहने के कारण फ़ोन करते करते थक गया सुबह से, अभी आंखें खुल रही। देख लो आज हम दोनों जाएंगे, बहुत दिन बाद कई सारी बातें होंगी, कई सारी कॉमेडी होंगी, कई सारे दुख सुख होंगे पुराने। इतने दिनों में क्या रहा, आपका एंटरटेनमेंट किया जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रोडवेज से आगे, अभी मेहता जी का फ़ोन भी आ गया है। हम कह रहे थे कि मेहता जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अभी पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। कह रहे आज नींद नहीं खुली, बन आज रोड जी भी कई दिन बाद दौड़ रहे, तो होता ही है कई दिन बाद अगर रोड में आता है तो दौड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। 3 किलोमीटर आ गए हम, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों आज। गाड़ियाँ चलाने लग गई दोस्तों, पहुँच चुके हैं कर्नाटक खुला हम लोग। रोटी जी भी आज आप बहुत दिन बाद कुछ बोलेंगे हमसे। हाँ बोले दोस्तों, डेली रूटीन में बिजी चल रहे हैं हम, कभी ड्यूटी नाइट कभी डे, इसलिए लगातार आना नहीं हो पा रहा है। बट जब भी कोशिश करते हैं, टाइम मिलता है आ ही जाते हैं। लेकिन लोग कमेंट करते हैं जरूरी जी आजकल दिखने दें करके। ना यही है, हम फैट देख सकते हो, अब हमारा इतना बड़ा हुआ है देखिए। ना फैट तो नहीं है, नहीं है फिर भी। दोस्तों जो डेली रूटीन एक्सरसाइज करने वाला आदमी होता है, अगर वो एक्सरसाइज में रूटीन में नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो उसका फैट एकदम बढ़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि वो खान पान में बहुत ध्यान रखता है। उसको पता है यार मैं आजकल तो रनिंग एक्सरसाइज कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे खान पान में अपने मुंह पे जो है लगाम लगानी चाहिए और लिमिटेड खाना चाहिए। तो जनरली भी हमारे लिमिटेड खाते हैं। जिस व्यक्ति के मतलब मुंह पे कंट्रोल है, वो हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, चाहे खाने में हो चाहे बोलने में हो। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप दोनों चीज़ों में कंट्रोल करें। दोस्तों मेरा आपसे कहना है, अगर आपको वेट अगर नहीं बढ़ाना है, अपना वेट लॉस्ट करना है या मेंटेन करके रखना है, तो आप शुगर छोड़ दें। ये मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव है। आप शुगर छोड़ दें, आप गुड़ का यूज़ करें। अगर चाय भी पीते हैं तो आप गुड़ लीजिए, छोटा सा गुड़ लीजिए, और चीनी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बिल्कुल। तो आप देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। अरे तुमसे पहले यहाँ पहुँच गया था। दोस्तों देख लो फ़ोन नहीं उठाया मैंने। कल आपसे बोला था कि आज तो ये बिल्कुल हिरन बना के दौड़ रहे हैं और कल नहीं आएंगे करके, मैं आपसे कह चुका था सुबह ही, लेकिन आ चुके हैं। देखो अरे मैं इधर से आया दौड़ के, अपनी बेइज्जती की, अपनी बेइज्जती की डर से आ गए दोस्तों। देख लीजिए आपसे पहले चले गए थे इधर। जनोटी जी ने फ़ोन किया इनको, तब जाके उन्होंने फ़ोन उठाया। अब सबसे पहले मेरे पास आए ब्लॉग में आने के लिए, देख लीजिए। देख लो दोस्तों, चलो फाइनली आ गए हैं। अच्छी बात, देखिए दोस्तों बहुत दिनों बाद ये पल है आज। तीनों हमारे शेर साथ चल रहे हम, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज। तीनों की मौजूदगी, रनिंग, खोल्टा की चढ़ाई, पसीना, ये और ठंडा ठंडा, ही मज़ा आ रहा है। Oh.
दोस्तों आज की एक्सरसाइज रनिंग वॉक हमारा हो चुका है, अब जाता हूँ कमरे में। 7:30 बज चुका है, टाइम भी हो चुका है, इसके बाद कई और काम करने हैं, ड्यूटी भी जाना है। अब निकलता हूँ कमरे में, कमरे में जाके मिलता हूँ। दोस्तों मैं कमरे में पहुँच चुका हूँ फील्ड से। कमरे में आने के बाद यानी हमारी रोज़ की तरह आयुर्वेदिक पानी, जीरा, अजवाइन, मेथी का पानी पीते हैं, इससे कई रोग दूर होते हैं पेट के। हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है इस पानी से, तो मैं रोज़ पीता हूँ। और एक दिन पीस के रख दिया मसाला, वो 2-3 महीने तक चल जाता है। तो दोस्तों नहा धो लिया है मैंने, कमरे में आके चाय पी और अपने कई काम किया। आज कमरे में माघ का महीना है तो भोजनाथ जी को थोड़ा खिचड़ी चढ़ाई है, आज पूजा पाठ कर ली है। अब हम खिचड़ी बनाई है, बहुत शानदार खिचड़ी, अभी दिखाते हैं आपको। कहते हैं अंजनी ने बहुत शानदार चटनी बनाई है और खिचड़ी बनाई है, ये चुकंदर है, प्याज है, बहुत शानदार हो रही है दोस्तों, मज़ा आ गया खाने में। शानदार खिचड़ी हो रही है, बहुत शानदार खिचड़ी बनी है, सिंपल खिचड़ी है, ज़्यादा मसाले वाले नहीं है। तो गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है, मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ, यानी कमरे में थी, जस्ट आई रही थी वॉक से, तो कमरे में आके ग्रीन टी पी ली है। यानी भी हमारे साथ में है, देख सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और भी सीखना है, खाना खाना है, धूप सेकना है, घूमना है, मौज हो रही है आजकल। क्या किया फिर आज सुबह से शाम तक मेरे जाने के बाद? मैं तो 10 बजे चला गया था, 9:30 बजे चला गया था। क्या किया उसके बाद? मैं तो अभी 6 बजे पहुंच रहा हूँ। कुछ खास नहीं, आप गए? हाँ। आज वो आए थे, ज्योति और नीरू दी आए थे। हाँ। अंजुदी की दुकान में काम था उनको। हाँ। उनके साथ अंजुदी की दुकान में गई। हाँ। वहाँ उनका जो काम था वो करा। हाँ। फिर उसके बाद दीदी लोग रूम पे आए थे थोड़ी देर। अच्छा, कमरे में आए थे? हाँ, थोड़ी देर आए थे। हाँ। तो क्या खिलाया उनको? कुछ नहीं, 5 मिनट तो बैठे नहीं, वो कहाँ से खिलाते। मैंने पूछा भाई साहब, एक कॉफी या चाय तो पिला देते। पूछा तो था, तो पानी तो पिला देते कम से। अरे मैंने उनसे पूछा था कॉफी बनाओ चाय बनाओ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो फिर वो लोग चले गए थे। अच्छा। नहाया मैंने, खाना खाया, कपड़े धोए, नहाए के बर्तन धोए, फिर धूप में गई, धूप से की कीनू खाए। अच्छा, कीनू खाए। हाँ, फिर अंजुदी के साथ गप मारी। क्या गप मार दिया अनुजी? रोज रोज कुछ नहीं, ऐसे ही एडवाइस देती रहती है दीदी। तो बस वही। हाँ, पुराने एक्सपीरियंस वाले हुए हो। तो वही एडवाइस दे रही थी, ऐसे करना वैसे करना, ये काम मत करना, वो काम मत करना। बस दीदी के साथ बैठी थी। फिर शाम को घूमने चले गए थे। कितने बजे गए घूमने? 4:30 बजे। अच्छा। हाँ, वही पूजा मैडम के साथ। हाँ, पूजा। और मैं गई। आज नहीं खाए मोमो? नहीं, आज नहीं खाए, रोज रोज नहीं खाना चाहिए ना फास्ट फूड। नहीं खाना चाहिए? हाँ, तो रोज रोज फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमने नहीं खाया। तो भैसा मेरे लिए तो ले आते। दूसरा रीजन ये था कि आज वानी नहीं आई थी। अच्छा। वानी जिद करती है, इसलिए हम मोमोज खाते हैं। तो आज अच्छा। पूजा और मैं ही थे, घूमने गए तो सीधे घर ही आ गए। अच्छा। कुछ खाया नहीं फिर आज? नहीं, कुछ नहीं खाया आज। अपना नहीं खाया तो मतलब दूसरी के भी नहीं ले जाना है? मैंने नहीं खाया तो मैं आपके लिए भी लाती फिर। रोज फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। देख ले दोस्तों, हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। अरे हम तो इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, सुबह देखो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कितना भी खाओ नहीं खाते हैं। अब कल आऊंगी। कुछ नहीं होता है, ढूंग भाई ढूंग। ये लू भाई लू, इसको लू भी खिलाओगे लू भी पच जाएगा दोस्तों। आपके लिए लोहाई लेके आऊंगी फिर कल से। ये लू भाई लू, लू हला लो ले पच जाल, कुछ भी खाओ आपके लिए, ठीक है? अभी खाओ, सुबह दौड़ो, निकालो फील्ड में, मजे मजे। फास्ट फूड उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है जो सिर्फ घर के अंदर रहते हैं, बिस्तर में दौड़ते हैं। फास्ट फूड हर किसी के लिए नुकसानदायक ही होता है। जो बिस्तर में दौड़ते हैं ना, उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। कोई कहीं भी दौड़े, फास्ट फूड नुकसानदायक। हम तो सड़क में आ जाते हैं, पसीना निकलता है सुबह, सब साफ गो। खाने में कमी नहीं करनी है। पहली बात, चने रखे हैं भुने हुए, बादाम रखे हैं, कीनू रखे हैं, बिस्किट्स रखे हैं, नमकीन रखे हैं, खाने में कोई कमी नहीं करनी है। खूब सारा खाना हूँ, खाते 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 दिन भर पेट भरण सो। हम एक आदमी इतना खा रहे दिन भर में, तुम तो भाई दो आदमी हो, दो आदमी के बराबर खाया करो, खूब खाया करो गौ गौ तक। चलो एक खुशी तो है, कम से कम स्वास्थ्य ठीक है, तबीयत ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, मुझे जहाँ जहाँ लगी रहती है दोस्तों, ऑफिस में रहता हूँ, जहाँ जहाँ लगी रहती है, कब फोन आ जाए, कब समस्या हो जाए, क्योंकि महीना
चल ही रहा है। अब दिक्कत तो है ही है, ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना, 2 महीना है। पहले तो 1-2 महीने पहले तो हम ये कहते थे चलो 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, लेकिन अब तो कोई पता नहीं है कब कॉल आ जाए। इतना झांझा भी मत किया करो, जो जब होना होता है तभी होता है। और मैं दूध भी थी बच्ची थोड़ी ना हूँ, थोड़ी बहुत तो मैं मैनेज कर ही सकती हूँ। क्या बात है, हाँ दे ऐसे लोग मिल जाए तो फिर तो हमारा कंधे चौड़े हो जाते हैं। तो भी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, इतना तो मैं मैनेज कर सकती हूँ ना। भाई साहब कमरे में रहोगे क्या, मैनेज करोगे क्यों, अकेले? अंजुदी है नीचे, ऊपर ताई जी लोग हैं, उनको कॉल करके बुला सकती हूँ आपके आने तक, वो मेरे साथ आ जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है आपके, झां झां क्यों करना है चलो शाबाश, तो। गुड गुड जॉब, बहुत शानदार, मजा आ गया। ठंडा कितना हो रहा है आजकल वॉक में जाने में, हो रहा है ठंडा नहीं हो रहा है? शाम को तो कम है, सुबह ज्यादा है ठंडा। अच्छा सुबह जाते हो तुम, तभी तुम्हें पता होगा। एक दिन तो गई थी देखो ना। दोस्तों, एक दिन गई, दूसरे दिन बार उल्टी करने में रही ठंडे के तो मारे। ठंडा कितना हो रहा था मॉर्निंग में, इवनिंग में हैं ठीक अभी है। इवनिंग में घूमने जा रहे हैं, कह रहे हैं सुबह ठंडा है। तो इवनिंग में नहीं है ना उतना ठंडा, इवनिंग में सही हो रहा है सुबह घूमने हमसे में। पूछो कितना ठंडा है, इनसे पूछो जो हमें देख रहे हैं डेली ब्लॉग्स, उनसे पूछो कितना ठंडा है सुबह। बहुत पाला पड़ ठंडा रहा है है, इतना मोटा मोटा, दोस्तों गाड़ी के ऊपर इतना पाला पड़ा है, क्या बताएं तो आप लू हो, हम थोड़ा है, हम तो हार मान सके इंसान है। आप। हम तो लू है, आप हो, हम तो हमें लू कुछ है, नहीं होता है, तो हम तो हार मान। शरीर को जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। हमें तो लगता ये है हाड़ कभी-कभी। मांसे का शरीर जरूर है, इसको धूप में तताओ, ठंडे में तताओ, जैसा बनाओगे वैसा बनेगा ये। दोस्तों हमारे द्वारा आपको डेली के ब्लॉग दिए जा रहे हैं, अगर ब्लॉग में कहीं कहीं पर कमियां रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमको, क्योंकि एनी ईयर में रोज़ रोज़ जितना भी हमें समय मिलता है तो गुफ्तगू करते रहते हैं, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो विश्वास है, हम आशा करते हैं कि आपको ब्लॉग हमारे अच्छे लग रहे होंगे। फैमिली ब्लॉग हैं, इसमें जो चीज़ें हम बता रहे हैं सारी हकीकत चीज़ें हैं, इसमें बनावटी और डुप्लीकेट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेके शाम तक की सारी घटनाएं घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाता है। यानी काम ज़्यादा करती है लेकिन बताती कम है, क्योंकि अभी नई नई है तो इतना बोलना नहीं आता है। अभी काम करती है लेकिन बोलती कम है, ऐसा नहीं है भाई। अपना काम तो खुद ही करना पड़ता है लगभग लगभग, जो अपने से रिलेटेड काम होता है वो लगभग खुद ही करना पड़ता है। जो घर के नॉर्मल काम हैं वो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो करते ही हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं महिलाओं को खुद ही करने पड़ते हैं वो काम। आज सुबह खाई थी हमने खिचड़ी, ठीक है, बहुत शानदार, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है, हमने सोचा थोड़ा भोलेनाथ को खिचड़ी चला लेंगे। तो आज अनी ने बहुत शानदार खिचड़ी बनाई थी सुबह, चटपटी वाली सिंपल खिचड़ी। लेकिन दिन भर उसके बाद हमने दिन में हल्का सा नाश्ता कर लिया था, आज मुझे भूख बहुत लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज कि हम डिनर पर कहीं ओक बदल जाएं या पहल जाएं, तो कहाँ चलें बताओ। कहीं नहीं, घर पे ही खाते हैं यार। ये क्या बात है भाई, आ मेरा मन नहीं कर रहा ना कहीं जाने का, कल चलेंगे। ऑफिस से मन बना के आया था कि आज बाहर खाने पे जाएंगे, बढ़िया सा खाने का मन था, मेरा मेरा मन ही मार दिया, अब क्या करें। अरे छोले भिगा रखे हैं ना मैंने सुबह से, आपने सुबह थोड़ी बोला था। तो छोले कल तक खराब नहीं हो जाएंगे, कब जाएंगे फिर? कल चलेंगे। पक्का? पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस, डन बोला कल ना। शाम को यहीं पर बैठ के फिर ब्लॉग बनेगा। दोस्तों आप लोग सभी गवाह हैं, सभी गवाह हैं, अगर कल मना कर दिया तो सोच लो फिर क्या होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। कुछ नहीं होगा। क्या होगा मेरा दिमाग झनका जाएगा फिर। अगर नहीं गए तो क्या होगा बताऊं? आप कल भी खाना बनाओगे और खाएंगे और क्या होगा, और कुछ मेरा नहीं। दिमाग झनकी जाएगा, कल तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, कल जाएंगे, आप अभी गवाह हैं। अनीता ने कह रखा कि कल जाएंगे, छोले बनाएंगे फर्स्ट क्लास, मडुवे की रोटी बनाएंगे। हाँ एक चीज और, वो तुम्हें बताना ही भूल गया, हमारे सासू माँ ने कल गाय का घी भेजा 1 किलो, बहुत स्वादिष्ट घी है, आज मंडुवे की रोटी के साथ घी खाएंगे हम। गाय का घी भेजा है गाँव से खरीद के, 1 किलो भेजा है पूरा। सासू माँ कह रहे थे 2 किलो भेज देते हैं, मैंने कहा 2 किलो खरीदा है हमने, कह रहे थे, तो मैंने बोला कि 1 किलो घर में रख दो, एक भेज दो, अभी बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले 1-1 किलो खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में 1 किलो फिर आ जाएगा, तब तक अनीता को भी जरूरत पड़ जाएगी, तो 1 किलो फिर मंगा लेंगे। एकमात्र दामाद है तो ख्याल तो बहुत रखते हैं हमारा। तो दोस्तों ठंडे ईदू हरो मत पूछो, बस बैठ रहा हूँ, ताड़ लगा भी हीटर ले, खुड़ खुड़ लगा भी बैठे, वहीं पर खाना खाना है,
वहीं पर हाथ धोना है बस, उसके बाद वहीं से बिस्तर में लेट का मोर्चा लेना है। ठंडा हो रहा है फिर। क्या दान है दोस्तों, मजा ही आ गया। 7:30 बज चुका है, अब डिनर में जाने के लिए तो मना कर दिया है, अब यहीं बनाते हैं, छोले बनाते हैं फर्स्ट क्लास, आज घी के साथ रोटी खाने हैं फर्स्ट क्लास, गाय के घी, बहुत दानेदार घी बना रखा दोस्तों, मज़ा आ गया। गाय का ऐसा घी तो मैंने पहली बार ही देखा, मतलब बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट घी है, कई मज़ा आ गया उसमें। अब भूख लग रही है, अब खाना बनाओ फिर। मेरे को भी लग रही है, तो बनाओ फिर, खाएंगे तभी तो। बनाओ फिर, बनाओ बनाओ जाओ बनाओ फिर। नहीं आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज आप बनाओगे। चलो हम ही बना लेते हैं, एक ने तो बनाना ही है, कोई भी बनाए। मैं हीटर सीखूंगी, आप खाना बनाओगे। मतलब मैंने बोल दिया करके हीटर आप सीखना ही सीखना है। यस, बिल्कुल शर्म नहीं है। बोला क्यों, लोग देख रहे हैं। बोला क्यों, तब भी शर्म नहीं है दोस्तों, देख लो। तो दोस्तों आज का 9 बज चुका है, अनीता और मैंने खाना खा लिया है, बहुत शानदार छोले बनाए थे, मडवे की रोटी और घी, घी के साथ रोटी हमने खा ली है। अनीता और मैं गुप्तगू करते रहते हैं, आप लोगों को हंसाते रहते हैं, आपको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अब मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।